और उस बीच बड़ी खबर फतेहाबाद से, जहां पर प्रेमिका ने प्रेमी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है रेप का। प्रेमी ने शादी करने से इंकार कर दिया था। प्रेमिका ने प्रेमी पर लगाया शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप। प्रेमिका ने प्रेमी पर लगाया 2 महीने का गर्भ गिरवाने का भी आरोप। प्रेमी के परिवार पर भी झांसा देने का आरोप लगाया है प्रेमिका ने। शुक्रवार को प्रेमी करने वाला था कहीं और शादी। फतेहाबाद के भट्टू थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो फतेहाबाद से खबर, जहां पर एक युवती ने एक शख्स पर रेप का आरोप लगाया है और प्रेम के जाल में फंसाकर रेप करने का आरोप लगाया। प्रेमी ने शादी करने से इंकार कर दिया था। प्रेमिका ने प्रेमी पर लगाया शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप। प्रेमिका ने प्रेमी पर 2 महीने का गर्भ गिरवाने का भी आरोप लगाया है। प्रेमी के परिवार पर भी झांसा देने का आरोप लगाया। शुक्रवार को प्रेमी करने वाला था कहीं और शादी और इसी दरमियान ये जो पूरा मामला है वो खुलकर सामने आ गया। फतेहाबाद के भट्टू थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। फिलहाल पुलिस पूरे मामले पर तफ्तीश कर रही है। तो चलिए, फतेहाबाद का ये पूरा मामला, जहां पर एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी पर आरोप लगाया है शादी का झांसा देकर रेप का आरोप लगाया है। और ये तक आरोप है कि जो प्रेमी है उसने महिला का 2 महीने का गर्भ भी गिरवाया और साथ ही साथ जो प्रेमी है उसके परिवार वालों पर भी आरोप लगाया। शिकल सूचना प्राप्त हुई थी महिला थाना में, तो उसके अंदर एक लड़की ने जो आरोप लगाया है, दरखास्त दी है कि एक लड़का जो मेरे भाई का दोस्त था उसके घर पे आना जाना हो गया और उसी बहाने से उसके मेरे साथ दोस्ती हो गई और उसी आड़ के अंदर उसने मेरे साथ गलत संबंध बना लिए। इस संबंध में 376(2) के तहत FIR दर्ज की गई है और कार्रवाई की जा रही है। तो कितने लोगों को इसमें नामजद किया है? इसमें मैन अक्यूज तो ये लड़का ही है, इसके अलावा उसने इस लड़के के परिवार वालों के बुआ है, चाचा है, उनके ऊपर भी आरोप लगाया है भी।